गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्लीपिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम हमारे सेल्फ स्टडी प्लान के डे 57 पर यहाँ पहुँच चुके हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो इन्वेस्टमेंट मॉडल इकोनॉमी रिलेटेड टॉपिक है। आइए देखते हैं, बट उससे पहले कोट ऑफ द डे। ये रहा आपका आज का कोट, बेहतरीन दिन की शुरुआत उतने ही बेहतरीन कोट के साथ। डू नॉट पुट ऑल योर एग्ज इन वन बास्केट, वॉरेन बफे का ये कोट है। काफ़ी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो अगर हम कोट के बारे में बात करें, अगर आप प्रिपरेशन रिलेटेड कोट ही समझ लीजिए इसको, कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एक ही सोर्स पर स्टिक मत रहिए, अपने सोर्सेज के जोन को थोड़ा एक्सपैंड कीजिए, पर ज़्यादा भी एक्सपैंड मत कीजिए क्योंकि आप कुछ रिटेन ही ना कर पाए। ठीक है जी, तो आज के आपके टॉपिक्स ये रहे आपके सामने। तो आइए देखते हैं जल्दी से क्या क्या आपके टारगेट्स हैं। वेरियस आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव्स ऑन इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। तो ये आइडियाज़ और जो पर्सपेक्टिव्स हैं ये हैं 20th सेंचुरी के। ठीक है जी, तो ये जॉन मेनेट कीज हो गए, जोसेफ ए शुमपेटर हो गए, इनके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है। क्या इनकी आइडियोलॉजीज थी, क्या इनके पर्सपेक्टिव्स थे। और कीन्स के बारे में बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि इनका ये कहना था कि जितनी आप इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही रिटर्न में आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है जी, जितनी ज़्यादा सेविंग्स होंगी उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ये भी इनका कहना था। फिर आते हैं आपके शुमपेटर जी, उनका कहना क्या था कि ये ज़्यादातर इनकी जो आइडियोलॉजीज थी वो थी एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड। ठीक है जी, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है क्या इनकी आइडियोलॉजीज थी, क्या इन्होंने जो बिज़नेस ओरिएंटेड लोग थे उन लोगों के लिए क्या इनके इन्होंने पर्सपेक्टिव्स रखे थे। ठीक है जी, फिर आता आपका रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है। तो इसमें एक कंसेप्ट है मनी मल्टीप्लायर। ठीक है जी, मनी मल्टीप्लायर ये कीन्स कॉन्सेप्ट है, आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। देखिए क्या है ये, फिर अगर थोड़ा समझें इसमें तो यही है कि जितनी ज़्यादा सेविंग्स होंगी हमारी, ठीक है जी, तो उतनी हमारी स्पेंडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उससे क्या होगा, मनी इन मार्केट उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये काफ़ी रिलेशन है जिनके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये जनरली एज अ क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा, पर ये चीज़ें एज अ किसी भी तरीके से पूछी जा सकती हैं। यूपीएससी अलग अलग तरीके से आपस में इंटरकनेक्ट करता है, कोरिलेट करता है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है जी, फिर आता है इन्वेस्टमेंट इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी। तो इंस्टेबिलिटी कैसे आ सकती है इन्वेस्टमेंट से, या तो आपने क्या कर दी, ओवर इन्वेस्टमेंट कर दी या अंडर इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप बोल रहे होंगे ओवर इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है, कि अगर आपने कोई बिल्डिंग बना दी, कोई मॉल बना दिया, पर उसमें एक भी दुकान नहीं खुली, तो वो वैसे ही ठप पड़ गया, तो वो एक तरीके से क्या हो गया, एनपी हो गया एक तरीके की, और एक सिरदर्दी होगी। ठीक है जी, फिर आता आपका हैरड ब्लूमर मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है ये जो मॉडल। ठीक है जी, तो इंडिया ने भी अपने जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें इसको फॉलो किया था, तो आपको इसके बारे में पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। फिर आता है आपका इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो और ICOR। तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट और एडिशनल आउटपुट के बीच में रिलेशन है, इसके बारे में पढ़िए। फिर आता है आपका सप्लाई डिटरमाइंड मॉडल, कि या तो आप डिमांड को रोक दीजिए, ठीक है जी, तो आप डिमांड को रोक लीजिए, या फिर आप सप्लाई को बढ़ाने के अलग अलग तरीके ढूंढिए। ठीक है जी, फिर आता है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन 1970 में आई थी ये, इसके बारे में पढ़िए क्या इसके रीजंस थे। फिर आता होगा फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड कैसे हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट में, या तो इंपोर्ट होता है आपका या आपका एक्सपोर्ट होता है। ठीक है जी, तो एक्सपोर्ट करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पे भी तो करना पड़ेगा, और वहीं से हम एक्सपोर्ट से ही उसकी पेमेंट की वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है जी, फिर आता है इंडियाज एक्सपीरियंस विद वेरियस मॉडल्स। तो हमने पहले ही बताया कि आपको हैरड ब्लूमर मॉडल तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फॉलो किया था, उसके बाद हमारा शिफ्ट हो गया था फेल्डमैन मालानोबिस मॉडल पे, जिसके बारे में आप पढ़िए, देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर आता आपका ऑप्टिमल ग्रोथ मॉडल, कि कैसा मॉडल यूज़ होना चाहिए, बेसिकली आइडियली कैसा मॉडल यूज होना चाहिए, तो इसके बारे में आप पढ़िए। ठीक है जी, तो आपके टारगेट्स हैं। अब सोर्सेज के बारे में बात करें तो एज सच कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है, किसी बुक में ये नहीं मिलेंगे आपको एक साथ, आपको टर्म बाय टर्म गूगल करनी पड़ेगी। हाँ, करंट अफेयर्स में रेगुलरली ये टर्म्स आती रहती हैं, आप पढ़िए। और काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट है वो है इको सर्वे, तो जब इको सर्वे आएगा, ठीक है जी, तो वहाँ पे आपको सारी टर्म्स मिलेंगी, तो आपको अगर पहले से इनके मतलब पता होंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, आप देख पाएंगे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, क्या रोल्स हैं, किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी उन चीज़ों से। तो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, तो जितना हो सकता है आप इनको कवर कीजिए, इन सारे टॉपिक्स को। और प्रीलिम्स तो नज़दीक आ ही रहा है, तो साथ के साथ आपको ये सूचना दे दी जाती है कि आप हमारे कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं, जिसमें विद एंड विदाउट वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 31 है, डिटेल्स आपके सामने यहाँ मेंशन है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो
आ गया आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। एंड आई होप आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेंस आंसर राइटिंग को हल्के में मत लीजिएगा। इसे अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन लेवल में काफ़ी चेंजेस आएंगे। तो क्वेश्चन आज का आपके सामने ये रहा, व्हाट इज़ द एग्जिट प्रॉब्लम इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, व्हाट कुड बी डन टू इम्प्रूव दिस प्रॉब्लम। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। पढ़िए एग्जिट प्रॉब्लम क्या है ये, क्योंकि इसे चक्करव्यूह भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो डिस्कशन लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लीज़ डिस्कस कीजिए, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी प्लान है, आप घर बैठ के ही तैयारी कर रहे हैं। फीडबैक की ज़रूरत है, आपको पता लगना चाहिए कि बाकी लोग भी किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है। तो डिस्कशन लिंक पर तो ज़रूर अपना आंसर पोस्ट कीजिए ही कीजिए। ठीक है जी, तो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ वेरी गुड डे।